आओ चलें देश को सुंदर बनाएं, देश को शक्तिशाली, सबसे पहले अपना देश तब हम सब। आओ मिलकर राष्ट्र को मजबूत बनाएं, नव निर्माण के साथ देशवासियों को समर्पित है। रक्षा के मामले में हमारा भारत अब स्वदेशी और आत्मनिर्भर की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहा है और उसका कारण है कि हमने अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर ली है जो एक सशक्त देश भारत के लिए अति आवश्यक है। आज के इस परिवेश में, आज के इस संरचना में, आज के इस माहौल और वातावरण में हमारे देश में अब स्वदेशी का रक्षा के मामले में बोलबाला होता जा रहा है और धीरे धीरे हम भारतीय सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करते जा रहे हैं। ये सब काम हमारे जो युवा वैज्ञानिक टेक्नीशियन, युवा जो रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में ये कार्य जो हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तव में बड़ा ही गौरवान्वित करता है। लोग इस पर अपने को बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों से लैस हो रही है। अभी हाल में ही भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमारे वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी के साथ और उनके मार्गदर्शन और उनके इस कार्य के करने में उन्होंने भारतीय सेना की बहुत तारीफ की है और भारतीय सेना को उन्होंने जनरल मनोज पांडे जी के साथ स्वदेशी हथियारों को भारतीय सेना को सौंपा है। एफ इंसास ऐसी राइफल जो अपने में ही बखूबी लिए हुए है, अपने में ही इसकी मारक क्षमता क्या है आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। इसकी ये क्षमता मौके पर दुश्मनों के ये छक्के छुड़ाती है कि लोगों को याद आ जाता है कि ये भारतीय सेना का एफ इंसास हथियार है। AK-203 ऐसा हथियार जिसके नाम से 203 एक सेकंड में जो है ये 6 गोलियां निकाल देती है। इसकी मारक क्षमता का क्या कहना, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। बैलास्टिक हेलमेट, बैलास्टिक गॉगल्स, बहुत सारी नई नई स्वदेशी की आधुनिक हथियार अभी हाल में ही माननीय रक्षा मंत्री जी ने जनरल मनोज पांडे जी के नेतृत्व में इस भारतीय सेना को सौंपे हैं, जो वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है और हमारे देश के नौजवानों के लिए बहुत ही बड़ा एक मार्गदर्शन है कि उनको अब कार्य ऐसे करने चाहिए कि भारतीय सेना जो भी हथियार चलाए वो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का। ऐसे कार्य के लिए हम सभी को
हार्दिक आभार करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि इस तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सेना के तीनों अंग और उनसे लगे हुए जो भी हमारे पैरामिलिट्रीज के अंग हैं, यूनिट्स हैं, वो सब देश की रक्षा के लिए दिन रात सेवा करके इस तिरंगे की रक्षा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और भारतीय नागरिक इस देश के जो हमारे सेना के और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं उनको हर तरह से सहयोग और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है उन्हें देते रहेंगे। मेरे वीर जवानों मेरे इंडे की अपने इस तिरंगे की आन बान जानो, मेरे वीर जवानों इस तिरंगे की आन बान जानो, इस तिरंगे की आन बान जानो। जय जवान जय किसान। राजेश गुप्ता, ICCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।